गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग डियर बच्चे लोग, गुड मॉर्निंग। एम आई ऑडिबल? क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? यस नो, यस नो, यस सर। एम आई ऑडिबल? रिया? यस सर। रिया भट्ट? विधि भट्ट? माज? अरे खाली हाँ ना बोलो ना, आवाज आ रही है कि नहीं? यस सर। यस सर। हाँ बोलो ना यार। ओके ओके, नाउ सो लास्ट टाइम आई हैड डन दिस प्रॉब्लम। देयर वर 1 2 3 4 क्यूब्स ऑफ डायमेंशन 10 by 10 by 10, 20 by 20, 30 by 4, एंड यू नो दे वर अरेंज्ड लाइक दिस। वी वर सपोज टू फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। I told you x bar is sigma mx upon sigma m, y bar is sigma my upon sigma m, mass is density into volume, but all four are made up of the same material, so density is same. So mass is proportional to volume. So instead of mass, x bar will be sigma vx upon sigma v, y bar will be sigma v upon sigma v. Then we took these four in the first quadrant. This is origin, x-axis, y-axis. Serial number 1, 2, 3, 4. This is 1, 2, 3, 4. So 1 ka volume 10 into 10 into 10, 10 cube. 2 ka volume 20 into 20 into 20, 20 cube. Why others have not come? Afif has not come still. Kafi log nahi aaye abhi tak. Only Bhargesh, Hussain, Mars and Vidhi. Prisha bhi nahi aaye. Okay. 10 cube, 20 cube, 30 cube, 40 cube. All right, then अभी है ना टोटल वॉल्यूम, और मैंने इस सबको ऐड किया। देखो ऐड करने का तरीका, 10 क्यूब 20 क्यूब 30 क्यूब 40 क्यूब, 10 क्यूब प्लस 2 इनटू 8, 2 क्यूब इनटू 10 क्यूब, तो 2 क्यूब इज 8, 3 इनटू 10 क्यूब यानी 27 इनटू 10 क्यूब, 4 क्यूब इनटू 10 क्यूब 64 इनटू 10 क्यूब, तो मैंने 10 क्यूब कॉमन लिया, तो इधर से आया 1 प्लस 8 प्लस 27 प्लस 64, दिस इज नथिंग बट 100, तो 100 इनटू 10 क्यूब इज 10 रेज़ टू 5, तो ये मैंने लिख दिया 10 रेज़ टू 5। आई होप दैट्स क्लियर टू एवरीवन। यहां तक कोई प्रॉब्लम, तकलीफ प्यारे बच्चों? यस नो? नो सर। ओके, सो फिर मैंने एक्स डिस्टेंस निकाला। एक्स डिस्टेंस इज डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस, तो ये डिस्टेंस आया फ्रॉम वाई एक्सिस टू सेंटर ऑफ मास ऑफ फर्स्ट वाज 5, 10 का आधा। फ्रॉम इधर टू इधर वाई बार भी 5 था, क्योंकि ये y डिस्टेंस इज फ्रॉम x एक्सिस, तो 5। एनीबॉडी कैन टेल मी व्हाट विल बी y2 y3 y4? y2 कितना होगा? y2 एनीवन? इट टोटल दिस हाइट इज 20 20 20, तो व्हाट विल बी y2? y2 y डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 कितना होगा? सो 10 10 व्हाट विल बी y डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ 3? So 15. What will be y distance of center of mass of 4? So 20. 20. Okay, what about x distance? Ye dekho, x pehle aa gaya 10, fir dusra aaya 10 plus 5. 8 minutes. Ye x distance? Right? No, sir, 15. 20. Hey, barabar 10 plus half of 20. So 20 is right. Sir, 30 plus half of 30, so 45. What about this? ये कितना लिखूं? ये कितना आएगा? Sorry, 80. कितना distance? कितना? 80. 80 is right. क्योंकि 10 plus 20 plus 30, 30. Yes, sir. Plus 60. 60 यहाँ पर plus half of 40, that is 20. So 80. Then you have to multiply this by this. So this will be 5 into 10 cube. This will also be 5 into 10 cube. This will be 20 into 20 cube. Yani 20 raised to 4. This will be 20 into 10. Yani 200. This will be 30 cube. 45 into 30 cube. Or is there like a 15 into 30 cube? Then is there like a 80 into 40 cube? और इधर का 20 इनटू 40 क्यूब, इधर इसको ऐड करना होगा, यहाँ पे इसको ऐड करना होगा, यहाँ पे
एक्स बार विल बी इक्वल टू, ये जो आंसर आएगा समझो इसका आंसर है ए, इसका आंसर है बी, तो ए अपॉन 10^5 और वाई बार विल बी, बोलो क्या लिखो, वाई बार विल बी इक्वल टू, जैसे मैंने ए अपॉन 10^5 लिखा वाई बार क्या आएगा, बोलो बोलो बच्चों, बी अपॉन 10^5, दैट्स राइट And you know, इसका आंसर मैं दे देता हूँ, कैलकुलेशन आप लोग कर लेना होमवर्क में, इसका आंसर आएगा x बार का आंसर आएगा 65 और y बार का आंसर आएगा 17.7 दिस विल बी द सिचुएशन. किसी ने कंप्लीट किया था क्या ये, आई वॉन्ट टू नो एनीबडी हु हैज डन दिस. I think Afif has not come still. So what is the value of A and B? A and B, I have not calculated. You try. Main bataunga. I'll tell you what exactly are the values. Okay, iska ek screenshot le lo na. Aur mere ko bhej dena. To main aapko pehle aap log try karna kaise add karna. Fir nahi aayega to main simplified bhi bataunga. To aapko zyada achhi tarah samajh mein aayega. एक बार ट्राई करो कि सब लोग घर पे, यस बोलो बच्चों, हेलो स्टूडेंट्स विल यू ट्राई, ये ऐड कर दिया, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, फिर कॉमन लेना है, अंदर छोटे छोटे टर्म्स होंगे. तो ये प्रॉब्लम मैं करता हूं खल्लास. Any doubt to anyone? Please ask me. Any doubt to anyone? Prisha, any doubt to you? Okay, beta, thank you. अब मैं मिटा दूँ इसको? ये आपको homework करना है. 1, 2, 3, 4 को add करना. 1, 2, 3, 4 को add करना. This homework you have to do. ओके ये मैं मिटा रहा हूं, ये थोड़ा हार्ड मिटेगा क्योंकि काफी दिनों से ये है, इसके ऊपर मैंने सजा के रखा था, मिटाया नहीं था. अगला प्रॉब्लम अगर आपको कॉपी करना है तो एक काम करो ना, मैं बताता हूँ कौन सा. पेज 139 पे देखो, पेज 139 पे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 पार्टिकल्स ऑफ मासेस 3 ग्राम 5 ग्राम 8 ग्राम, ये वाला प्लीज ट्राई करो इस बुक के अंदर से, कॉपी करो. In the meantime, I'm rubbing it out. Little hard हो गया है. Have you seen question 123, page 139? Copy करना चालू करो उसको in the meantime. So page number? Page number 139. Page 139 जीतू. अच्छा जीतू कल का time table क्या है तुम्हारा college का? So मेरा 9 o'clock से स्टार्ट होता है, 12 बजे तक खत्म. सो मैंने आपको फॉरवर्ड किया है व्हाट्सएप पे. अच्छा ठीक है, 9 to 12 ना, ठीक है. और विधि आपका क्या है, विधि विधि भट्ट, विधि विधि सर आई हैव अ लेक्चर एट 9 एंड देन एट 1:40. 9 to 1:40 you are busy or khali 9? No, 9. There's a lecture at 9 and there's a break till 1. Then I have lecture till 1 to 4. Okay, give me your schedule on my WhatsApp so that I will try to adjust with the students so that they can. Aap copy karo in the meantime that problem. Sir, page number? Page number 139. It's not there. Sir, it's not there. तो ये देखो ये कहाँ लिखा है, 3 particles of masses उसी के आसपास होगा, 3 gram 5 gram 8 gram, 3 particles of masses 3, 5, 8 gram,
मिला किसी को भी मिला क्या? Anyone who got? साइनाबोगिट्स 3 kg, 5 kg, 8 kg, and 10 meter, 2 meter, 7 meter. Same problem. ग्राम के बदले किलोग्राम लिखा, it's okay. सर बट वेर हाँ कौन से कहाँ पे 140 क्वेश्चन नंबर 110 हाँ देखो अफीफ आया लेट सॉरी सर आई डिडंट आई थॉट इट वाज एट 10:30 अरे यार तुम क्या देखो तो सही अच्छा तो आई व्हेनेवर देयर इज अ चेंज आई स्पेशली फोन यू कि ध्यान रख कल इतने बजे है ऐसा बोलू सर आई लुक आउट तो हाउ यू केम टू नो दैट इट इज नाउ सर समबडी सर समबडी कॉल्ड मी अप हां Could you copy your program in the meantime, all of you, please? अच्छा तुम्हारे इसमें केजी लिखा है M1 equal to 3 kg M2 equal to 5 kg M3 equal to 8 kg situated at 2:22 meter -3 1/4 meter and -1 -3 -2 meter. No sir, it's not that like. So, okay. So we have got here 5 meter. Arey. So 10 meter, 2 meter, and 7 meter. 7 meter. चलो एक काम करो ये प्रॉब्लम ऐसे कॉपी कर लो चलो छोड़ो ऐसे ही है ना सिमिलर है ना बट प्रॉब्लम 145 दिस प्रॉब्लम इज ऑन पेज 145 ओ माय पेज इज डिफरिंग 145 पे ऐसे सब है चलो जाने दो ये प्रॉब्लम कॉपी कर लो ये खाली डेटा कॉपी कर लो देखो कितना इजी है टेबल मेथड इज द बेस्ट मेथड चलो फटाफट खत्म करो कितना इजी हो गया प्रॉब्लम डोंट यू एग्री इट बिकम्स वेरी इजी
3 into 2, 6. Minus 15. Minus 8. All right, then this will be 6. Then 5. And then 24. Then 6. Then B's. Or minus sole. Nora Satra. Then 6, 5, 11. 24, 11, 35. 20, 16, 4, 4, and 6, 10. That is equal to 35 upon 16 meter. Hussein, are you following or Hussein? Thoda bouncer, Om, Maz, Jitu. No, sir, I'm following. Every one of you, na? Okay. Kuch bhi question hai na, every one of you is free. Bin das question puchne ka. Sir, explain me the box. I was not there. तुमने recording नहीं भेजी? मैंने recording नहीं देखी. बेटा recording. No, okay, I'll explain. देखो, क्या है मालूम है formula है. M1 X1 plus M2 X2 plus M3 X3 upon M1 plus M2 plus M3. So, I have sigma MX. This formula is similarly M1 Y1 plus M2 Y2 plus M3 Y3 upon M1. Yeah, Z bar ka bhi waisa. So, I have to ki M1 X1, M1 into X1 maine yaha likha. Ye M2 into X2 maine yaha likha. M3 into X3 maine yaha likha. Fir inko add kiya. So, yaha minus 17. Matlab ye numerator aa gaya sigma MX ka. It is minus 17 upon sigma m. ये तीनों mass को add किया तो ये 16 है तो minus 17 upon 16. Similarly I followed from this and this. एक बार है ना बेटा recording देख लेना ना मेरी last time की. Yes sir. हाँ मैंने भेजी है शायद recording. हाँ वो उस पे YouTube पे देख लो. Yes मैंने YouTube पे upload किया है. हाँ और फिर मेरे को पूछना भी सर ये समझ में आया ये नहीं आया और मेरे को दिन में भी question कर सकते हो कभी भी. Anytime you can ask every one of you. सर यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग मिलती नहीं है क्यों सर सर्च करो तो पिछले की वीडियो आती है पहले की वीडियो आते रहती है अभी मैंने लेटेस्ट डालो ना लेटेस्ट जो लास्ट में है वो वाला देखो अपलोड किया हुआ एवरीवन इज हैविंग दिस ट्रबल नो सर वी हैव टू चेक इन द चैनल कैसे जरा इसको बताओ ना आफिफ चैनल पे कैसे चेक करेगा इवन आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल विद इंटरनेट तो अरे अफीफ जरा उसको हेल्प करो ना मास को हाउ बाय स्पीकिंग वाले सम की रिकॉर्डिंग है आई नहीं अभी तक मेरे पास कौन सी तो ई वाला सम कराया था ना उससे पहले वाली रिकॉर्डिंग वो नहीं आई सर आई कैन सेंड इट टू हिम आफ्टर क्लास प्लीज 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 सेंड हिम हां प्लीज सेंड हिम हेलो अफीफ भेज देगा तो भर्गेश और माज दोनों को यस सर हां ओके ये कॉपी किया सभी ने और दोज हु हैव अटेंडेड भर्गेस को छोड़ दो है ना आई विल हेल्प हिम आल्सो बाकी लोगों को समझ में आया कि नहीं आया दिस मेथड टेबल मेथड यस सर ओके अदर प्लीज प्लीज बिंदास क्वेश्चन पूछो नाउ आई विल डू अभी जाने दो आपका मेरा पेपर मैच नहीं कर रहा था आई विल राइट डाउन द प्रॉब्लम एक बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है इसमें मुझे कौन हिंट देगा मैं जानना चाहता हूं ये मिटा दूं ये मिटा दूं क्या बच्चों यस सर यस सर ओके एम आई गोइंग अ बिट फास्ट ऐसा लगता है सर बहुत फास्ट जा रहे हो आप इज दैट ट्रू डियर स्टूडेंट्स एम आई गोइंग फास्ट नो सर
श्योर ना? मेरे को बोल दो कभी कभी, क्या टीचर को पता नहीं चलता ही गोइंग फास्ट एंड स्टूडेंट बोलते हैं क्या भगा रहा है एक्सप्रेस गाड़ी. आई डोंट वांट टू डू दैट सिचुएशन. एक डायग्राम ड्रॉ करो मेरे साथ में. प्रॉब्लम लिख लो. प्लीज राइट डाउन द प्रॉब्लम. कॉपी किया डायग्राम की कॉपी कर रहे हो आप? रफली बनाओ फटाफट कुछ जरूरत नहीं. जैसे मैंने कैसे फ्री हैंड से बनाया वैसे चलता है. कॉपी किया डायग्राम सभी ने? कॉपी किया डायग्राम सभी ने? यस सर. Yes, sir. लिखो अ होल ऑफ रेडियस छोटा आर. अ होल ऑफ रेडियस छोटा आर इज कट फ्रॉम अ यूनिफॉर्म डिस्क. इज कट फ्रॉम अ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस टू छोटा आर. एज शोन इन द फिगर लोकेट सेंटर ऑफ मास of scheduled uniform portion. Disk of 2R. Uniform disk of 2R. A hole of radius chota R is cut from a uniform disk of 2R as shown in the figure. Locate the center of mass of the remaining part of the disk. Center of mass of a shaded part of the disk. सबसे पहले एनीबडी कैन टेल मी व्हाट विल आई डू. देखो क्या किया है दिस थिंग. उसकी रेडियस 2R थी. ऑलराइट अगर डिस्क के सेंटर में मास मिले तो डायरेक्टली मिलेगा. लेकिन इतना पार्ट काट दिया उसका. स्मॉलर पार्ट काट के निकाल दिया और बोला अभी रिमेनिंग पार्ट का सेंटर ऑफ मास बताओ. इज दिस क्लियर? रिमेनिंग पार्ट का सेंटर ऑफ मास बताओ. इतना काट के निकाल दिया और बोले इसका सेंटर ऑफ मास बताओ. तो मुझे सबसे पहले स्टेप कौन बताएगा टू फाइंड सेंटर ऑफ मास? व्हाट शुड आई डू द वेरी फर्स्ट स्टेप? एनीवन हु कैन हेल्प मी? सबसे पहले काम क्या करूं प्यारे बच्चों? पहला काम क्या करूं? सो एरिया? नो. सबसे पहले काम यस यस दिस इज ओरिजिन. दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस. सो आवर एंटायर फिगर इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. फिर उसके बाद क्या चेक करने का? इज द फिगर एनीवन? इज द गिवन फिगर इन फ्रंट ऑफ यू इज एनीवन दैट वर्ड सिमेट्रिकल? लवली आंसर, लवली आंसर प्रिशा. सो दिस इज व्हाट इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री. एक्सिस ऑफ, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है अभी क्लास के अंदर. एक्सिस ऑफ सिमेट्री. सो पहले सिलेक्ट ओरिजिन एज शोन. एज द फिगर इज सिमेट्रिकल आउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस देयरफॉर वाई बार इक्वल टू कितना लिखूं बताओ? Y bar equal to कितना लिखो? Any one of you? Direct answer. This height is Y bar. Because this is what is. और खाली X bar ढूंढना है हमको कि कितना X bar है.
And two hour. Lovely answer, Prisha. Prisha, तुमने बोलना चालू किया तब से पता चला you are a very good student. I really appreciate. Y bar equal to 2R. ये देखो ना ये x इधर से x axis से distance कितना है इसका 2R तो अब मैं क्योंकि हमारा x axis y axis ऐसे लिया वहाँ पे match नहीं होगा उनका answer. उन्होंने क्या किया मतलब मैं origin यहाँ ले लिया हमने origin यहाँ ली है तो उनका answer और हमारा answer differ करेगा. मेरा एक method है कि अपने को first quadrant में लेने का तो it is always better. ये लोग ने origin यहाँ पे लिया है x axis यहाँ पे y axis यहाँ पे ये है ना बुक में कि नहीं है ये वाला प्रॉब्लम बुक में नई बुक में है कि नहीं प्लीज लेट मी नो ऐसे ऐसे टर्न करके देखो है क्या ये प्रॉब्लम कि नहीं है यस सर इट्स देयर है ना ओके एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एम एक्स अपॉन सिग्मा एम बट मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम Density is what? Area into thickness into volume. But, density into area of the disc into height of the disc. But height must be same. Jitni moti ho, kitni moti disc hai, wo sab pure iske liye same hai. Therefore, mass is directly proportional to area. And therefore, X bar will be equal to sigma AX upon sigma A. इतना कॉपी करो सिग्मा ए एक्स मास के बदले हमको एरिया लिखना है इस बार अगर ये स्फीयर होता तो क्या करते हम लोग एनीबॉडी कैन टेल मी अगर ये स्फीयर होता और स्फीयर के अंदर से छोटा स्फीयर निकाल दिया तो ये क्या फर्क पड़ता है यहाँ पे एनीवन अगर ये स्फीयर का प्रॉब्लम होता डिस्क का नहीं होता तो वॉल्यूम वॉल्यूम बस मास इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम करना पड़ता और वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज हाउ मच इफ रेडियस इज आर Sir. What is the volume of a solid sphere? Sir, 4 upon 3. 4, 4 upon 3. 4 upon 3? Khali 4 pi upon 3, cube. But pi r cube. Yeah. Yahan pe abhi main do area banata hu. Serial number. Then area. Then x distance. Then AX. Even Kelly go. A1 क्या लिखूं? सर आर एरिया वन यार एरिया हाउ कैन एरिया बी आर अरे जीतू हाउ कैन एरिया बी अच्छा यू आर थिंकिंग ऑफ एक्स डिस्टेंस इज आर इज राइट बट आई एम टॉकिंग ऑफ एरिया हाँ एक्स डिस्टेंस इज ऑल्सो नॉट आर क्योंकि सेंटर ऑफ मास सी वन ये रहा और ये रहा सी टू हाँ बोलो एरिया क्या लिखूं अरे एरिया ऑफ सर्कल अरे वॉल्यूम नहीं है एरिया है एरिया इज पाई आर स्क्वायर एरिया इज पाई इनटू आर आर स्क्वायर लिखूं या क्या कुछ और लिखूं दिस इज ए वन And this is A2. Wow. ये बड़ा वाला हाँ pi into 2R का whole square. That is right. Because radius is 2R, not R. That is 4 pi R square. So this will become what about A2? A2 क्या लिखो A2? 2R. That's right, Prisha. Lovely answer. And what will be sigma? Sigma kitna likhu? Sir, 5 pi r square. 5 pi r square. And let me tell you, that is wrong. Anyone else?
आप बोलेंगे सर क्या बोलते हैं आप सर, इधर फोर है नीचे फाइव है, फिर फोर प्लस वन इज फाइव, क्या आप सर ऐसे परेशान मत करो आप। एनीवन 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 प्लीज प्लीज। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक हिंट मैं देता हूँ। हाँ बोलो क्या। हाँ डू यू हैव टू instead of pi should we have to 3 multiplied by 3.14 and bad answer, 3.14 to understood hai, pi ke badle likhna hai. Answer is ye tha, isme se isko nikal diya, isko it has been removed, so what is the remaining area? 3 pi r square, right. So it is to be minus, kyunki humne nikal diya hai usko, it has been removed from the disk, so net area is not this plus this, ye to nikal diya hai na, to iska shaded area kya itna hoga, the full minus removed area, so this will become 3 pi r square. I hope that is clear now. Remember x distances are to be measured from y axis, this is c1 and this is c2, to mujhe ye distance hoga x1 aur ye distance hoga x2. This will be x1 distance, this will be x2 distance. X1 बताओ, x2 बताओ। Now प्रिशा नहीं बोलेगी, प्रिशा तुमको तुमको छोड़ के बाकी सबको बोलना है, because प्रिशा has understood this concept very well. हाँ। So 2r, x1 is 2r. X1 is 2r. Any other answer? Any other answer? Any other answer? Om. ये डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज x1, क्योंकि y एक्सिस से मेजर कर रहा है, एंड यहां से लेके c2 तक का दैट डिस्टेंस इज x2, व्हाट विल बी x1? भार्गेश, अफीफ, विधि, 2r, 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 2r इज राइट, एंड व्हाट अबाउट x2? सो 3r, 3r कैसे आएगा? ओम ओम, व्हाट इज x2? x2 ओम मार्ज हुसैन तुम बोलो x2, तो 3r एंड दैट इज राइट। प्लस 3r और माइनस 3r, अरे हाँ प्लस 3r और माइनस 3r, अरे प्लस 3r और माइनस 3r, आई एम आस्किंग प्लस माइनस what will be x bar, sigma ax upon sigma a, sigma ax kitna hai 5 pi r cube upon 3 pi r square, so pi pi cancel, that will be 5 by 3 r, answer won't match from the book, but our answer is also right, book answer is also right, because they are measuring distance from c1, hamara jo 5 by 3 r aata hai na, wo yahan pe aata hai, dekho यहां पे आता है 5 by 3 r, दिस इज व्हाट इज पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब बोलोगे यहां से मेजर किया तो आंसर इज -r/3, -r/3 यानी इधर से इस साइड, आ पॉइंट वही रहेगा लेकिन डिस्टेंस उसका चेंज हो जाएगा, क्योंकि उन लोगों का ओरिजिन उन लोगों ने वहां लिया c1 पे, c1 पे ओरिजिन लिया है, और सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस यहां पे -r/3 आ रहा है, तो इट इज जस्टिफाइड टू द लेफ्ट हैंड साइड। ये बात समझ में नहीं आई ना आपको, सच बोलो, ये लास्ट में जो बोला हाउ -r/3 इज आल्सो राइट, सच सच बोलो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, -r/3 समझ में आया? ओके तो ये पहले कॉपी कर लो, मैं मिटाता हूँ इसको, मिटा के फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मिटा दो इसको, यहाँ पे कुछ डाउट है, शुड आई रिपीट, रूलर मार के रिपीट करो, टक 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 कैसे आ रहा है सब आंसर, इट्स क्लियर, रूलर मार के एक बार रिपीट करूं क्या ये टेबल? ओ नो सर, ओके तो अब मैं मिटा रूलर।
ओके मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ हाउ दैट बुक का आंसर इज ऑल्सो राइट. मैं एकदम मस्त एग्जाम्पल देता हूँ. सपोज एक रेक्टेंगल है, ये 10 मीटर और ये 4 मीटर. प्लीज डोंट ड्रॉ दिस, ये रेक्टेंगल से मैं आइडिया खाली क्लियर करता हूँ. मैं ओरिजिन लेता हूँ यहाँ पे, एक्स और वाई. तो टेल मी व्हाट इज एक्स बार एंड वाई बार, डायरेक्टली मेरे को बताओ. ओरल आंसर एक्स बार का कितना आएगा, ये सेंटर ऑफ मास है. ओरल का आंसर बताओ इसका कितना आएगा. So 5. X bar is 5 and Y bar is 2. Okay, ये right answer है. ये point यहाँ पे है और coordinate is 5 and 2. But अब मुझे बताओ, अगर मैं कहूँ कि मैं कहूँ कि origin ये है, origin मेरा ये है and not this, लाल वाला हटा दिया मैंने. Okay. ये मेरा ओरिजिन है. तो एनीबडी कैन टेल मी व्हाट विल बी एक्स बार एंड वाई बार नाउ. एक्स बार कितना होगा? -5 and -2. -5 एंड वाई बार कितना होगा? -2. -2. That's wrong. एक्स बार इज राइट बट वाई बार इज रॉन्ग. दिस फिगर इज सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स इज नेगेटिव बट वाई इज पॉजिटिव. सो 2 2. तो मुझे बताओ क्या ये ओरिजिन और ये ओरिजिन लेने से इसका आंसर, एक स्टूडेंट लिखता है 5 2 और एक स्टूडेंट लिखता है -5 2, दोनों का ओरिजिन अलग अलग है, तो क्या कौन सा रॉन्ग है कि बोथ आर राइट? बोथ. सो बोथ आर राइट. तो बुक ने क्या किया, बुक ने ओरिजिन यहाँ लिया है C1 पे, तो उनका आंसर -r/3 आ रहा है क्योंकि 2r -5r/3 आर. देखो 2r -5r/3 क्योंकि यहाँ से इतना डिस्टेंस मेरे को चाहिए ना, will be equal to this is 3 6 r -5 r, that is r/3, but since the next left hand side तो -r/3. तो बुक भी सही है, हम भी सही हैं, क्योंकि ये 2 r है, ये 5/3 r है, तो this will be r/3. खाली ओरिजिन अलग लिया है इसलिए आंसर चेंज हो रहा है, but position of center of mass will remain the same. देखो ये x axis लो या ये, position of center of mass is not changing. Our values may change, but position will not change. ये देखो 5r/3 + r/3 = 2r. यहाँ से origin लेंगे तो it will be -r/3 क्योंकि left hand side पे जा रहा है. आप एक काम करो ना, इसको homework लो with origin at the center C1. इसको homework लो. और एक और problem homework देना चाहता हूँ. If this problem there in your book, a uniform solid sphere of radius, ऐसा similar diagram, ये वाला book है. सॉलिड स्फीयर है मतलब डिस्क के बदले. चेक प्लीज चेक एवरी वन ऑफ यू, ये है आगे पीछे देखो, एक अगले पेज पे ही होगा, एक पेज इधर उधर करके देखो, है ये प्रॉब्लम? यस सर. हाँ तो ये होमवर्क लो स्फीयर वाला, और ये होमवर्क लो ओरिजिन यहाँ लेके, ओरिजिन C1 पे लेके इसको अगेन करो, उसका आंसर -r/3 आता है कि नहीं चेक करो. बुक का आंसर और आपका आंसर मैच हो जाएगा फिर. और अब लिखो अगला, थोड़ा थियरी करेंगे अभी. डिफाइन सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बहुत बड़ा चैप्टर है. ये मिटा दूं इसको, मिटा दूं क्या बच्चों? यस सर. ओके अभी अगली थियरी थोड़ा करेंगे, थियरी करने के बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग. ऐसा लिखो डिफाइन सेंटर ऑफ ग्रेविटी, define center of gravity. Center of gravity को in short CG भी बोलते हैं. जैसे center of mass को CM बोलते हैं, center of gravity को CG बोलते हैं. राइट. तो एक पहले एक लाइन लिखो ना, टॉर्क